स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपना आप ईवीएम मशीन का 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि उस बिना विदाउट उसको देखे जो है आप इसको जो है एज्यूम नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, कि मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है वह किस प्रकार से है। तो चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन जो है मशीन का, हम उसको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट्स आपको यहाँ पर दिया गया है स्टेशनरी, और दूसरा क्या है, रोटेटर सेक्शन। तो इस स्टेटर सेक्शन और रोटेटर सेक्शन। तो स्टेटर सेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मशीन का वह पार्ट जो क्या हो, स्टेशनरी हो, जो क्या हो, जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, वह एक ही जगह क्या हो, स्टेबल हो। और रोटेटर सेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? रोटेटर सेक्शन क्या है कि मशीन का वह पार्ट जो क्या करे, रोटेट करता रहे, जो क्या हो, मोशन में हो। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि रोटेटर और स्टेटर का यहाँ पे क्या मतलब है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन को दो पार्ट्स में आप समझ सकते हैं, एक स्टेटर है स्टूडेंट्स और एक रोटर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जो कि इतना अच्छा तो बना नहीं है, चलिए आप समझने के लिए इसे रेफरेंस रखिए। तो इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये जो है स्टूडेंट्स मशीन का हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। तो इसके अंदर जो है क्या क्या स्ट्रक्चर होती है वो इसमें दिखाया गया है स्टूडेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाया गया है, ये क्या है स्टूडेंट्स? पोल है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ये क्या है, पोल है। और इस पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की गई है स्टूडेंट्स, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। अभी इसके बाद हम इस सारी टर्म को जो है बाकायदा इसे डिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो पोल है हमारा, ये क्या है, स्टेशनरी पार्ट है। ये क्या होता है, एक जगह स्टेशनरी होता है, मतलब एक जगह स्टेबल होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है, इसके अंदर देखिए आप, ये जो गोला सा है, ये क्या है स्टूडेंट्स? जो गोला सा है ये आपका कम्यूटेटर है। इसके ऊपर स्टूडेंट्स ब्रश होता है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आर्मेचर होता है। ये सारे चीज़ें जो है आर्मेचर पे स्टेबल होती है। आर्मेचर स्टूडेंट्स आप मशीन का वो पार्ट है जो क्या करता है, रोटेट करता है। इट इज़ द रोटेटर सेक्शन। तो ये आपका जो है स्टूडेंट्स, और ये आपका जो फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल बॉक्स है, जो ये आपके चार पोल का जो है मशीन है, चारों पोल से जो वाइंडिंग गई है, यहाँ यहाँ से आपका जो है टर्मिनल बाहर निकला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन में स्टूडेंट्स आपको जो पार्ट्स पढ़ने हैं, यहाँ आप देखिए दिया गया है। पहला पार्ट से जैसे योक, पोल, पोल सूज, फील्ड वाइंडिंग, ब्रश, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग एंड कम्यूटेटर, यही सब पार्ट स्टूडेंट्स आपको जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन में जो है देखना है। तो चलिए हम इसको एक एक करके जो है इसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम योक। योक क्या होता है? आपका जो मशीन का पहला पार्ट है वो योक ही, इसका जो ये योक जो है इसका स्टेशनरी पार्ट है। तो चलिए देखते हैं योक क्या होता है। तो हम योक में लिख सकते हैं स्टूडेंट, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन इज नोन एज योक। तो स्टूडेंट, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किसी मशीन का, वो क्या होता है, वो योक होता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, इसको हम एक रफली डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। आप कभी स्टूडेंट्स जो है ये मोटर देखे होंगे, तो इसके बाहर से जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे इस टाइप का दिखता होगा, ये स्टूडेंट्स क्या है, यही स्टूडेंट्स आपका योक है। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक बाहर बाहर का स्ट्रक्चर है। बाहर का स्ट्रक्चर है तो ये क्या करेगा, बाहर के जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, इसको क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। बाहर से जो डिसएडवांटेज होने वाली है इसके ऊपर, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट द मशीन। आप लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट द मशीन। आई होप आपको समझ आएगा, इट प्रोटेक्ट द मशीन एंड इट गिव द स्ट्रक्चर टू द मशीन। अभी बाहर का जो है पोर्शन है, तो ये क्या करेगा, जैसा ये रहेगा वैसा ही उसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इट गिव द स्ट्रक्चर टू द मशीन। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर देता है जो है आपके मशीन को, क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है। अब इसके बाद स्टूडेंट जो है आप इसको समझ सकते हैं। अब ये बाहर का पोर्शन है, तो इसको काफ़ी स्ट्रांग भी रहना चाहिए,
तो हम क्या लिख सकते हैं, इट्स, इट हैव हाई, इट हैव हाई मैकेनिकल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसके पास क्या हो, इसके पास क्या होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स बहुत हाई होती है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट जो है समझ में आए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हमने आपको इससे पिछले का लेक्चर जो हमने टर्म यूज मैग्नेटिक सर्किट में आपको पढ़ा था रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस स्टूडेंट जो है आपका जो है मैग्नेटिक सर्किट में जो है रेजिस्टेंस का काम करता है स्टूडेंट्स, या आपके जो है क्या करता है इसके फ्लक्स के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसलिए यहाँ इसमें जो है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फ्लक्स जो है फ्लो करे, इसलिए आपको यहाँ क्या चाहिए, लो रिलक्टेंस पाथ चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट हैव लो रिलक्टेंस पाथ। ऐसे स्टूडेंट्स आप कई सारे पॉइंट जो है अपने से जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप मशीन को रटिए ना, इसको आप जो है अपने से दिमाग लगाइए, अब जो है इसको समझिए। तो ये जो है आप, ये आपका कौन सा पार्ट था, योग था। ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है किसी भी मशीन का, उसे क्या कहते हैं, योग कहते हैं। इसका मैंने आपको एक रफली डायग्राम जो है स्टूडेंट्स आपको दिखाया और समझाया। ये क्या करता है, मशीन को प्रोटेक्ट करता है, एंड इसका जो ये स्ट्रक्चर भी देता है मशीन को। ये मैकेनिकली स्ट्रेंथ भी है इसका काफ़ी हाई है। इसके बाद स्टूडेंट जो है लो रिलक्टेंस पाथ जो है इसके पास होता है। तो इसके बाद स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं पोल क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं पोल क्या होते हैं, चलिए देखते हैं पोल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पोल, काफ़ी इजी सा ये टॉपिक है, आप इसको जो है एक तरफ से देखिए वीडियो और बार बार देखिए और इसको जो है समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स पोल का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स आपकी मशीन में, वो इस प्रकार से होता है। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये आपका क्या होता है, ये आपको मैंने रफली बनाया है, ये क्या है आपका मशीन का पोल है। स्टूडेंट्स इसका जो है मेन काम क्या होता है, इट कैरी, आप लिख सकते हैं इसमें इट कैरिंग द फील्ड वाइंडिंग। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये क्या कैरी करता है, फील्ड वाइंडिंग को स्टूडेंट्स जो है कैरी करता है। हमने आपको बताया यहाँ पे कि जो आपका पोल था इस पर क्या था, इस पर जो वायर, इसके ऊपर जो फील्ड जो वायर गए थे, ये क्या था आपका, फील्ड वाइंडिंग था। तो जो है ये क्या कैरी करता है स्टूडेंट्स, पोल जो है आपका फील्ड वायरिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग जो है कैरी करता है। तो आई होप आपको ये पोल जो है एक रफली समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये पोल का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं पोल शूज। तो चलिए हम एक इसको भी देख लेते हैं, पोल शूज, ये हमारा तीसरा जो है टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पोल शूज क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। पोल शूज स्टूडेंट्स ये पोल शूज मैं आपको यहाँ पे भी एक बार बना देता हूँ रफली। ये जो ऊपर वाला जो स्टूडेंट्स ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका, पोल शूज है। पोल शूज इतना बेसिक आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको इकट्ठा जो है स्टूडेंट्स आपको मिल जा रहा है। तो आप मतलब जो है इसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं पोल शूज होता क्या है स्टूडेंट्स। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स पोल शूज, इसको हम एज्यूम करके लिखते हैं। देखिए पोल शूज इनलार्ज द एरिया, मतलब एरिया बढ़ा देता है, किसका एरिया बढ़ा देता है, इनलार्ज द एरिया ऑफ आर्मेचर। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये जो पोल शूज है आपका, ये क्या है आर्मेचर के, मतलब आर्मेचर इससे ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है आर्मेचर से रिलेटेड है। तो क्या बोला कि इनलार्ज द एरिया ऑफ आर्मेचर कोर टू कम अक्रॉस द फ्लक्स। ये क्या करता है, आर्मेचर कोर को जो है स्टूडेंट्स काफ़ी इनलार्ज कर देता है, क्योंकि जो है उसमें फ्लक्स जो है आसानी से क्रॉस कर जाए। और उसके बाद देखिए इस क्या लिखते हैं, विच नेसेसरी, जो कि आवश्यक होता है, विच इज नेसेसरी, लिख सकते हैं विच इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस द लार्जर इंड्यूस्ड EMF, जो कि प्रोड्यूस करता है लार्जर इंड्यूस्ड EMF। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि पोल शूज का काम क्या है, ये क्या करता है आर्मेचर के कोर, आर्मेचर का जो एरिया है उसे इनलार्ज कर देता है, और जो है ताकि कि उसमें जो है फ्लक्स काफ़ी अच्छे से जो है क्रॉस कर पाए।
आपके जो फील्ड जो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स है, तो उसके बाद स्टूडेंट जो है कि वो प्रोड्यूस द लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रोड्यूस करे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आई होप आपको पोल्स को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। तो चलिए हम दूसरे पेज में देखते हैं फील्ड वाइंडिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आपको बताया पोल के ऊपर स्टूडेंट जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। तो उसी के बारे में हम अब जानने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फील्ड वाइंडिंग होता क्या है स्टूडेंट्स। तो हम फील्ड वाइंडिंग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए वाइंडिंग सॉरी अ फील्ड वाइंडिंग। हम इसको स्टूडेंट्स आपको रिटर्न फॉर्म इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अगर इसे रटे रहेंगे या इसे समझे रहेंगे तो आपके सेमेस्टर में जो है काफ़ी हेल्प करेगा। इंसुलेटेड करंट कैरिंग कॉइल है या फिर वाइंडिंग है आप लिख सकते हैं। करंट कैरिंग कॉइल्स लिख देते हैं, कॉइल्स ऑन ए फील्ड मैग्नेट दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड नीडेड नीडेड टू एक्साइट, जो कि एक्साइट करता है, एक्साइट ए मशीन। तो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये आपको कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो किसका होता है, वो कॉइल करंट कैरिंग कॉइल से जो है किसी फील्ड मैग्नेट पे जो है क्या होता है, वाउंड होता है किसी वो आपके पोल पे जो है वाउंड होता है, जिससे कि आपका जो है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो और मशीन को जो है उसके आर्मेचर को जो है एक्साइट करे। मशीन को जो है स्टूडेंट्स मशीन में आपका जनरेटर मोटर को जो है एक्साइट करे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे फील्ड वाइंडिंग का क्या मतलब है। फील्ड वाइंडिंग का मतलब है मशीन को एक्साइटेशन एक्शन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप से ये समझ रहे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ब्रश। ब्रश का काफ़ी अच्छा रोल होता है हमारे मशीन के स्ट्रक्चर में। तो चलिए देखते हैं ब्रश होता क्या है। जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये कम्यूटेटर के ऊपर जो है स्टूडेंट चार चार ठू ब्रश लगा है। तो चलिए देखते हैं अब ये ब्रश होता क्या है। इस डायग्राम में हमने चार ठू बनाया है। तो चलिए देखते हैं ये ब्रश होता क्या है। तो चलिए इस पेज में देखते हैं ब्रश होता क्या है। तो हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ब्रश में दैट या ब्रश दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट बिटवीन, काफ़ी आसान हम आपको जो है दे रहे हैं, बिटवीन द स्टेशनरी स्टेशनरी वायर्स या क्वाइल लिख सकते हैं, स्टेशनरी वायर, इसको हम स्टेटर भी लिख सकते हैं, स्टेटर को जो स्टेटर को एंड एंड द रोटेटिंग वायर या फिर रोटर को एंड द रोटेटिंग वायर वायर या फिर रोटर रोटर ऑफ ए मशीन। इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराता है किसके बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में। स्टेटर को स्टूडेंट्स इसने स्टेशनरी वायर बोला है और रोटर को क्या बोला है, रोटेटिंग वायर बोला है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है किसके बीच में, स्टेटर वायर या फिर स्टेटर के बीच में या रोटर के बीच में ऑफ द मशीन। तो आई होप आप ये ब्रश का जो है काफ़ी आसानी से आप ब्रश समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स आर्मेचर कोर क्या होता है, कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो किसके ऊपर होता है, आर्मेचर कोर के ऊपर ही होगा, कोई कोर होगा तभी तो उसके ऊपर वाइंडिंग होगा। तो चलिए देखते हैं आर्मेचर कोर क्या होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्मेचर कोर इज द रोटर ऑफ ए डीसी मशीन। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। आर्मेचर कोर क्या होता है, जिसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है स्टूडेंट्स। और ये क्या होता है, ये आपका जो है रोटर पार्ट है आपका, ये क्या करता है, रोटेटिंग पार्ट है। तो आप इतना ही जाने आर्मेचर कोर के बारे में तो अच्छा ही है। इसके बाद जो स्टेट्स हम देखते हैं आर्मेचर कोर तो हम जान गए, इसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं। चलिए देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग होता क्या है। तो इसके बाद स्टेट्स हम देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग एक्चुअल में होता क्या है।
एन इलेक्ट्रिकल मशीन इन विच ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बिकॉज किसके कारण होता है ये देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ द एयर एयर गैप फील्ड फ्लक्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, चलिए इसका मतलब हम देखते हैं क्या होता है। आर्मेचर वाइंडिंग हमारा वाइंडिंग स्टूडेंट्स वो होता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें कि जो है ईएमएफ आपका जो है जनरेट होता है, लिखा है ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बिकॉज किसके वजह, जो एयर गैप है आपका फील्ड फ्लक्स की वजह से। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका ईएमएफ जो है जनरेटेड ईएमएफ जो है स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होता है, जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स और मोटर में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग का स्टूडेंट्स आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है जो मशीन में। ये भी स्टूडेंट्स आपका रोटेटिंग पार्ट ही है, क्योंकि आर्मेचर आपका रोटेट करता है रहता है और जो स्टेटर है स्टूडेंट्स आपका जो है स्टेट जो है उससे स्टेबल होता है, उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का जो है मूवमेंट नहीं पाया जाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंस टॉपिक है वो है कम्यूटेटर। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं इसी में कम्यूटेटर क्या होता है स्टूडेंट्स। ये काफ़ी बार जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ जाता है लिखने के लिए, तो आप ये इसको जो है मेन पॉइंट समझिए, बाकी तो आप उसको पेज तो भर ही लेंगे। तो कभी कई सारे बच्चे बोलते हैं पेज भरते हैं, तो आप पेज भरने पर ना फोकस करिए, आप जो है स्टूडेंट्स समझने पर फोकस करिए। तो चलिए देखते हैं द कम्यूटेटर एश्योर दैट, ये एश्योर करता है दैट द करेंट फ्रॉम द जनरेटर ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। यहाँ जनरेटर ना लिखे मशीन लिख दिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आप पर्टिकुलर जनरेटर के बारे में नहीं पढ़ रहे, काम तो दोनों में वो सेम ही रहेगा कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटर आपका एश्योर करता है, मतलब डिक्लेयर करता है, निश्चित करता है कि करंट जो आपका मशीन में जो है ऑलवेज इन एक ही डायरेक्शन में स्टूडेंट जो है आपका करंट जो है फ्लो करेगा। ये आपका जो है कौन डिसाइड करता है, कम्यूटेटर। इसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है, पर इसके बाद कम्यूटेटर का ही रोल रहता है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये मशीन का स्टूडेंट जो है एक माइंड मैप बन गया होगा। तो हमने मशीन को स्टूडेंट्स काफ़ी ब्रीफली देने का जो है आपको देने का प्रयास किया है। तो ये इसके बाद स्टूडेंट्स का आप कहीं भी इसको एक साथ नहीं पाएंगे, किसी वीडियो में आप जो है कहीं किसी इस सारे पार्ट को जो है एक साथ नहीं पाएंगे स्टूडेंट। ये हमारा इकलौता वीडियो है जिसमें आप सारे पॉइंट को जो है एक साथ पाएंगे। तो आप इसको जो है काफ़ी लाइक करिए और जो है आप लगातार पढ़ाई करिए। देखिए हमने सारे टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन डीसी मशीन का। तो जो है चलिए स्टूडेंट्स, चलिए धन्यवाद।